when we're done with the chapter, let's quickly look at two questions. और बाकी के जितने भी क्वेश्चन जो NCERT टेक्सटबुक में है, आई थिंक हमने पूरे चैप्टर के अंदर उनके आंसर्स कवर कर ही लिए हैं. सो बी इट द आइडिया कि ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से हम किस तरह से ह्यूमन बींग्स का डिमाइज या उनका डेवलपमेंट देख सकते हैं, या फिर द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस को कौन कौन से डेंजर्स हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आई थिंक आर वेरी सिंपल फॉर यू टू आंसर. हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर लिया है. लेट्स ओनली लुक एट टू क्वेश्चन फॉर नाउ विच आर समहाउ इम्पॉर्टेंट एंड गिव यू एन आइडिया हैज टू हाउ यू कनेक्ट चैप्टर विद दीज क्वेश्चन. तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट करेंगे हम वो इसके अंदर देख लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस. सो ऑल ऑफ द रीजंस जो कि चशानी ने दिए हैं चैप्टर के अंदर आर समथिंग यू नीड टू लुक एट, राइट. सो उन्होंने क्या कहा है कि आप एंटार्क्टिका की स्टडी करके कैसे देख सकते हैं कि जितने भी जियोलॉजिकल चेंजेस हुए जो हिस्ट्री ऑफ एंटार्क्टिका के अंदर ट्रैप, उससे हमें क्या मिलेगा, लाइक हाउ इज दिस स्टडी यूजफुल टू अस, स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. सो इट्स बेसिकली यूजफुल टू अस टू सी कि कितने टेम्परेचर पे कौन सी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रही थी, एंड व्हेन टेम्परेचर चेंज्ड व्हिच ऑर्गेनिज्म सीज टू सर्वाइव, कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई किन किन यू नो चेंजेस की वजह से, वाटर के कॉम्बिनेशन में क्या चेंज था, या सॉल्टी वाटर व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्ट लाइक व्हाट कंटेंट ऑफ सॉल्ट इज इम्पोर्टेंट बिफोर वाटर टर्न्स पॉइजनस फॉर सर्टेन स्पीशीज टू लिव इन. All of these are the information that you can get when you are studying the carbon ores of Antarctica, right? So glaciers के अंदर हजारों सालों की history है, history from where dinosaurs were living on this earth, history of ice ages, history of various different changes जो कि earth में हुए, जब mammoths चले गए और woolly rhinos जो हैं वो भी earth से चले गए. So all of these is this is the study, this is how you can develop the pattern as to why is it important to take care of certain things in environment, right? So scientifically it's of great use, and also in the sense that when you go to Antarctica, jaise Tishani ne pure ke pure chapter mein kaha, you get a sense and you get a perspective to look at environment changes and to look at human history, right? So the next question is, take care of the small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in the context of Antarctic environment? So phytoplankton ka example aap yaad rakhiye agar is question ko answer karne ke liye. So in general also phytoplankton ka example yaad rakhiye. बिकॉज आपको क्या बोल रहा है कि स्मॉल लिटिल चेंजेस जो हैं अगर हम जो करते हैं उनकी वजह से बहुत बहुत चेंजेस हो रहे हैं. सो अगर हम सिर्फ ओजोन लेयर के डिप्लेशन पे ध्यान दें और अगर हम सिर्फ अपनी एक्टिविटीज को ऐसे चेंज कर लें कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है अंटार्कटिका में वो कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली फाइटोप्लैंक्टन्स तो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो भी दे विल ऑल्सो फॉल इन प्लेस. सो स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू विल डू, अगर आप इफ यू प्रिफर वॉकिंग रादर दैन यू नो टेकिंग योर कार, इफ यू प्रिफर यू नो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स रादर दैन पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल टू कुक योर फूड, आई थिंक ऑल दीज स्मॉल स्टेप्स अगर हम अपना सब कार्बन फुटप्रिंट इंडिविजुअली कम कर दें, तो बड़ी बड़ी चीजें जो है ग्लेशियर्स मेल्टिंग, स्पीशीज गेटिंग एग्जेंस, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे एंड जो बैलेंस है नेचर का वो रिस्टोर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी इन कोहेरेंस, राइट. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द चैप्टर. आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. But also, by the end of it, we did see how it's important to contextualize yourself in Antarctica situation. But you should also question what Tishani is saying. I mean, आप ऐसे मत ले लीजिए कि वहां जाके ही आपको पता चलेगा. Many of us can't really go to Antarctica in this lifetime. So इसका मतलब ये नहीं है कि हम environment के लिए sensitive नहीं हो सकते या हम realize नहीं कर सकते कि कितना बड़ा danger human beings हैं environment के लिए. So even when you are sitting there, even when you are sitting in your homes and looking at this video right now, I think all of us get a sense of how important it is to start thinking about environment, how important it is to recycle, to reduce and to reuse certain things and not do waste and not burn our waste, and how important it is to do anything little that we can do for environment so that greater picture is safe, so that the balance is restored, right? So question everything, but at the same time, be motivated, be an environmentalist, and that's all we have to say. Thank you.